<clears throat> so हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू नीट मेंटर्स कैसे हैं बेटा आप लोग कैसे चल रहे हैं आपके स्टडी माय डियर स्टूडेंट्स सो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हैं आप लोग और आज क्योंकि अपनी कल क्लास पाँच बजे थी बट मुझे थोड़े से मेरे गले में खराश लग रहा था मतलब थोड़ा सा मेरा तबीयत तो, मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था डैट समय मैंने कल क्लास नहीं लिया उसी क्लास को आज मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर लिया हूँ तो आज जो अपनी क्लास होगी बच्चे मॉर्निंग में ही होगी क्लास ठीक है So, मुझे ऐसा लगता है कि दो क्लास आप <coughs> आ, ये कर पाएगा तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि आज एक ही क्लास लूंगा और आज अपना ये लास्ट लेक्चर होगा बेटा होपफुल आपको मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा होगा दिखाई दे रहा होगा सो रेस्ट ऑफ ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एक बार मुझे बता दीजिए बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या इज इट ऑडिबल एंडल इफ यस सो प्लीज कन्फर्म वंस Please confirm, my dear, dear students, and please do like this session. Save this session among your all the friends and subscribe this channel and press the bell icon, a for better notifications. Hopefully, you have heard my talk well. So, today is the last lecture. Today is the last lecture of refraction of the curve surface. So, be ready for the last topic, and this is the one of the most important point for you because in this topic I will uh, going to be I will going to be discuss uh, the silvering of the lens and these all topics. Silvering of the lens and these all topics. Got it? so today today is is the last topic टूडेज द लास्ट टॉपिक टूडेज द लास्ट लेक्चर सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंटा आज आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू की बेटा अनएकेडमी ने आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए अनएकेडमी ने आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट देने का निष्कर्ष निकाला है क्या?

ठीक है तो आपको और टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो कोर्स आपको पहले वन लाख में मिल रहा था बेटा अब वही कोर्स आपको मिलने जा रहा है एटी वन थाउजेंड इट इज गोइंग टू बी फॉर एटी वन है तो दिस इज द बिग न्यूज फॉर यू दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द टेकिंग सब्सक्रिप्शन राइट नाउ यदि आप चाहते हो बेटा यू आर इंटरेस्टेड टू दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज दिस टाइम विल बी ओनली फॉर द दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर थर्टीन ऑफ सेप्टेंबर 17th इस बात को वीक के लिए, के इसी वीक के लिए, उसके बाद फिर क्या होगा दो दिन आपके पास समय है दो दिन आपके पास समय है जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो ठीक है उसके बाद फिर क्या कीजिएगा क्या कीजिएगा उसके बाद फिर अपन आगे अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें ठीक है बेटा बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कुछ ग्लीसेस दिख रहे हैं क्या यार बेटा मुझे कुछ थोड़ा सा मुझे कुछ टेक्निकल इशू लग रहा था तो एक बार मुझे बता दीजिए सब कुछ क्लियर है क्या सब कुछ क्लियर है क्या यस एक छोटी सी टेक्निकल इश्यू यस आशीष कैसा बेटा पेपर कैसा गया आशीष आशीष बेटा तुम्हारा पेपर कैसा गया एक बार मुझे बता दीजिए यस

नेक्स्ट टाइम कल से अपनी क्लास के टाइमिंग वही रहेगी जो अपनी क्लास के टाइमिंग थी सात इवनिंग में पाँच बजे ठीक है फाइव पी एम फाइव पी एम पर अपनी जो क्लास की टाइमिंग रहती थी वही टाइमिंग पे क्लास लूंगा आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे आज मिस कर गए बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए वजह यह था कि थोड़ा क्लास का टाइमिंग शिफ्ट हो गया था इस वजह से तो सर सही था बट प्रिपेयर सही नहीं था तीन सौ दस आ रहे हैं सोच रहा हूँ ड्रॉप का सोचो मत बेटा ड्रॉप ले लो सोचो मत बेटा इतना समय नहीं है अपने पास के अब अपन सोचेंगे सोचने का समय खत्म हो चुका है ड्रॉप लेने का यदि आपका यह डिसीजन है तो ड्रॉप लेने का डिसीजन सही है और जल्दी से जल्दी ड्रॉप ले लीजिए बेटा अकॉर्डिंग टू मी आपको जल्दी से जल्दी ड्रॉप लेने का डिसीजन आपने किया है तो इससे आपको डिसीजन को जल्दी से जल्दी सार्थक कर लेना चाहिए चलिए तो अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं जैसे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ लेटेस्ट एज माई डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है बेटा एक सिंपल सा

समस्याएं यहाँ पे क्या होती है जरा समझिएगा बच्चे समस्याएं यहाँ पे क्या होती है जरा समझिएगा मैं एक काम करूं बेटा यहाँ पे कि इस लेंस uh, की अदर पार्ट पे सिल्वरिंग कर दू अदर साइड में यहाँ मैं क्या करूं सिल्वरिंग कर दू सिल्वरिंग करने मतलब क्या है कि इसके ऊपर कुछ पेंटिंग वगैरह कर दू सिल्वरिंग कर दू यहां पे क्या हो अब ये एक मिरर की तरह बिहेव हाँ करने लगे किसके तरह बिहेव हाँ करने लगे बेटा मिरर की तरह बिहेव करने लगे तो अब क्या होगा तो अब क्या होगा इस चीज को हम समझने का प्रयास कर यस yes. तो अब क्या होगा इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं तो कैसे हम निकालेंगे इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूं बेटा ओवरऑल यदि सीधा सीधा मैं बात करूं ओवरऑल यदि सीधा सीधा बात करूं तो हमारा कंसर्न ये है कि यदि बेटा यहाँ पे यदि मिरर की तरह सिल्वरिंग कर दिया गया तो कोई भी लाइट यहाँ पे ऐसे यदि मैं पैरल लड़ा लेटर सजूम जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा तो लाइट क्या होगा इस पहले कर्व सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी रिफ्रैक्ट करके ऐसे पहुंचेगी अब यहां पहुंचने के बाद चूंकि यहाँ सिल्वरिंग कर दिया गया तो लाइटर फिर तो यहाँ बैक वहां पर रिफ्लेक्ट करके ऐसे वापस आएगी और फिर इसके बाद क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल करते हुए ऐसे बाहर निकल के यहाँ कहीं तो ओवरऑल आप अच्छे से देखिए एक इंटेलिजेंट बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ <coughs> अच्छा आशीष आपने एलेवेंथ का कुछ भी नहीं पढ़ा था बेटा कोई बात नहीं बेटा देखो आ, मतलब कि अब पछताने से कोई मतलब ये नहीं है लेमेंटेशन करने का कोई मतलब नहीं है बच्चे अब आप क्या कीजिए बच्चे अब आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए जो भी आपकी गलतियां रही हैं उन गलतियों को अब सुधारने का समय है बेटा उन गलतियों को अब सुधारने का समय है तो मैं एक इंटेलिजेंट बच्चे से पूछा कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि यदि ये लाइट रे से पैरल मैंने डाला और लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर से तो वापस जिस टाइप साइड से गया है उधर ही जाकर के मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ तो इंटेलिजेंट बच्चे ने मुझसे बताया इंटेलिजेंट बच्चे ने मुझसे बताया कि भाई आ, बात ऐसा है बात ऐसा है कि मैं देखूं तो अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है अब ये एक मिरर की तरफ बिहेव करने लगा किसकी तरफ बिहेव कर रहा है एक मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है और मिरर में भी किस कैसा मिरर बेटा कनकेव मिरर तो यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस लेंस के ऊपर सिल्वरिंग जो हमने किया तो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू अ मिरर ये किसके तरह बिहेव करने लगा बेटा एक एक मिरर की तरह बिहेव करने लगा अब यार जैसे हमने ये कहा कि ये मिरर की तरह बिहेव करने लगा तो <coughs> आशीष खुश हो गया आशीष खुश हो गया आशीष क्यों खुश हुआ मैं बताता हूं आशीष इस वजह से खुश हो गया क्योंकि आशीष को ये लगने लगा कि भाई मिरर के सवाल तो मैं बड़े स्मूथली तरीके से सॉल्व कर लेता हूं बड़े मजे तरीके से सॉल्व कर लेता हूं सर नीट ट्वेंटी में क्या होगा ये ट्वेंटी नहीं 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 ट्वेंटी नहीं, नहीं होगा बेटा वो अभी जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना बेटा वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इसलिए ओपन हुआ है मैं आपको बता दूं कुछ चीजें क्लियर कर दूं वो अभी आ, ऐसा हुआ है बेटा कि एन टी ये चाहती है कि जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उतने सारे के सारे बच्चे एपियर हुए थे या नहीं हुए थे एग्जाम में बिकॉज योर एग्जाम वॉज ऑन द ऑफलाइन मोड आपके एग्जाम ऑफलाइन मोड में था दैट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स वाज एपर इन इन दैट एग्जाम ये सब चीजें पता नहीं है प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन होती है तो सारी चीजें एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पता चल जाता है एक सिंगल क्लिक के ऊपर बट तो ऑफलाइन के ऊपर ये सारी चीजें फैसिलिटीज नहीं है दैट्स वाई अभी आ, बेसिकली एन डी ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं कि सारे बच्चों से एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ जिन्होंने एग्जाम दिया है तो जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने बच्चों ने पेपर दिया है तो इसलिए रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट आप जरूर कर लीजिएगा बेटा रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है जरूर कर लीजिएगा बेटा ठीक है ट्वेंटी वन अब दोबारा नहीं होगा ट्वेंटी टू ही होगा ठीक है हो सकता है रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा तो आपका आ, ये आपका रिजल्ट पेंडिंग रह जाए आपका रिजल्ट नहीं आए तो यस हम लोग इस टॉपिक पे बैक टू द टॉपिक आते हैं अपने टॉपिक आते हैं तो मुझे ये बात पता चला कि यदि किसी लेंस के ऊपर हम सिल्वरिंग करते हैं तो ये ओवरऑल लेंस बिहेव करने लगेगा एक मिरर की तरफ ओवरऑल लेंस किसकी तरह करने लगेगा बेटा मिरर की तरफ बिहेव करने लगेगा अब ये मिरर की तरफ बिहेव किया तो हमारा परम संकल्प ये हुआ कि भाई मिरर की तरफ यदि बिहेव कर रहा है तो उसका यदि केवल फोकल लेंथ मुझे मिल जाए इस मिरर का फोकल लेंथ यदि मिल जाए तो हमारी पूरी कथा कहानी जो होगी वो सारी की सारी कथा कहानी आसानी तरीके से खत्म हो जाएगी क्यों वजह ये है कि फोकल लेंथ मिल गया किसी डिस्टेंस आर पे या किसी डिस्टेंस यू पे हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो फोकल लेंथ मिल गया तो वन बाई ए फिजिकल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू निकाल करके इमेज डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं तो हमारा परम संकल्प हमारा परम संकल्प कि हम ये जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस किए हैं इसके इक्विवेलेंट लेंस का सॉरी इक्विवेलेंट मिरर का इस ये जो इक्विवेलेंट ये बेसिकली ये बिहेव करने लगा है एक मिरर की तरह तो इसके इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ के वैल्यू निकालने तो हमारा काम हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो बस वही काम मैं करने जा रहा हूं बच्चे 23 इस इसको ध्यान से देखिएगा ये काम मैं कैसे करूंगा

स्वागत है बेटा आपका लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बेटा कि आप रेगुलर क्लास में आया कीजिए ठीक है चलिए तो किसी इंटेलिजेंट बच्चे से मैंने पूछा कि भाई मुझे एक बात बताओ यदि ये मिरर की तरफ भी करने लगे तो इसका फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे उसने मुझे बताया कि सर आप ठीक से देखिए मैंने बोला हाँ भाई दिखाओ क्या ठीक से दिखाना चाहते हो उसने बोला कि सर ठीक से यदि आप देखिए तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उसमें सबसे पहले एक आपका लेंस है मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो एक लेंस है जिस लेंस से कोई भी लाइट रहकर टकरा रही है मैंने बोला जी हाँ बिल्कुल सही बात है कोई भी लाइट रैके इस लेंस से टकरा रही है और टकराने के बाद वो इस मिरर वाले पार्ट पे चल रही है यानी कि प्लस में है एक मिरर प्लस में है एक मिरर अच्छा मैंने बोला बिल्कुल सही बात है भाई प्लस में है एक मिरर पहले हुआ सर रिफ्रैक्शन मैंने बोला बिल्कुल सही बात है दूसरी बार हुआ रिफ्लैक्शन मैंने बोला बिल्कुल सही बात है और तीसरी बार जो होगा सर ना अब ये देख करके आपके दिमाग एकदम शांत तो हो जाएगा आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको आपके निगाहें चमकने लगेंगी और आपको मजा आएगा तीसरा फिर से यही लाइट रे पहले यहाँ रिफ्रैक्ट किया तो ये हुआ फिर रिफ्लेक्ट किया तो इससे हुआ और फिर से लाइट रे बाहर निकल के रिफ्लैक्ट करके ये बाहर चली जाएगी मतलब एक लेंस इट सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाले केस में यदि मैं देखूं देखू दिस इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंस एंड द वन मिरर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंस एंड वन मिरर

न्यू मेथड जो कि बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा क्योंकि पहले आप लेंस फार्मूला लगाइए उसका इमेज डिस्टेंस निकालिए वी निकालिए अब को फिर दूसरे वाले के लिए मिरर के लिए यू की तरफ बिहेव करेगा तो फिर मिरर फॉर्मूला निकालिए फिर वहां से निकालिए फिर तो वो भी तीसरे वाले के लिए मिरर की तरह बिहेव करेगा सॉरी लेंस की तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा फिर तो उसको आप क्या कीजिए लेंस लेंस मिरर मिरर फार्मूला लगा करके और फाइनल इमेज निकालिए जो कि हो गया बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा लेंदी मेथड ठीक है तो किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने बोला कि बताइए तो तो मतलब पावर ऑफ तो लेंस पी एल से रिप्रेजेंट कर देंगे पावर ऑफ मीर को पीएम से रिप्रेजेंट करेंगे और पावर ऑफ लेंस को पी एल से रिप्रेजेंट ये तीनों चीजें सर हमारे सामने आ गई अब आप एक काम कीजिए इन तीनों को एक साथ एड कर दीजिए मैंने बोला कर लो एड कर लो तो उसने देखा कि भाई ये दोनों तो सेम लेंस है तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ पी एल प्लस पी एम इसका इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा पीवैलेंट द्वाइस ऑफ दी एल प्लस पी एम ट्वाइस ऑफ पी एल प्लस पी एम फिर किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने बोला जैसे कि सुजत सुजीत यादव ने मुझसे बोला सुजीत यादव ने बोला कि सर आप ध्यान से देखिए जो फाइनल मिरर जो आ रहा है फाइनल मिरर जो आ रहा है ये फाइनल मिरर जो आ रहा है सर ये तो कनके मिरर है मैंने बोला हाँ बिल्कुल तो मिरर के एक वैलेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दू क्या मैंने बोला कर दो यार कर दो मजा आ जाएगा कर दोगे गए दो। उसने बोला कि ठीक है यानी कि ये मिरर है चूंकि चूंकि इसका एक वैलेंट मिररर आ रहा है तो मिरर का मिरर का पावर की बात करूं तो इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ क्या होता था

बताता आशीष आशीष मैं अभी जस्ट मिनट बता बता देता देता बेटा आपको सारी बातें अभी अभी ऑफर चल रहा है बात करें। तो ये हमारा ये आ जाएगा। इस माइनस को यदि अंदर डाल दूं तो क्या हो जाएगा इस माइनस को अंदर डाल दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस होकर बाहर आ जाएगा और ये हमारे सामने हमारे सामने

कई बार बच्चे मुझसे ये पूछ सकते हैं सर पर तो केवल एक लेंस था कई बार मुझसे सवाल में यह पूछा जाता है कि सर यदि मल्टीपल ऑफ लेंस के बाद लास्ट में यदि सिल्वरिंग कर दें तो क्या होगा वही होगा जो आप जानते हो बेटा वन अपॉन एफ एम माइनस ट्वाइस ऑफ वन अपॉन एफ एल वन प्लस एफ एल टू प्लस वन अपॉन एफ एल थ्री प्लस डॉट 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 ये आपका मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ लेंस के केस में ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यस yes, आशीष मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक बार दे दूँ मैं थोड़ा सा यहाँ स्लाइड में जाकर के आशीष के उत्तर को मैं आशीष क्योंकि स्टूडेंट बस समय की थोड़ी ताकत को देखना पड़ेगा आपके बच्चे ही है देखो बेटा आईकोनिक प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो वन ईयर का जो है बच्चे ये वन ईयर का के केवल के थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड आशीष देखो ये थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड है लेकिन अभी इस पर बीस परसेंट डिस्काउंट मिले कब अब भी सत्रह तारीख तक लोगे तो सेवनटीन सेप्टेम्बर तक यदि आप सब्सक्रिप्शन ले ले रहे हो तो बेटा ये आप पे बीस परसेंट आपको डिस्काउंट इसमें तो मिल जाएगा कब यदि आप यहाँ पे आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगा रहे हो आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाओ तो बीस परसेंट का भी डिस्काउंट मिल जैसे ये बत्तीस ये आपका अड़तीस है ना बेटा तो इस पर दस ऑलरेडी डिस्काउंट आपको दिया जाएगा स परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा मतलब इसका नियर अबाउट थर्टी फाइव हंड्रेड के आसपास में ये अभी कम हो जाएगा तो ये ऑलरेडी थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास में पड़ रहा होगा फिर उसके बाद और आप दस परसेंट डिस्काउंट लीजिएगा तो ये नियर अबाउट आपका बत्तीस के आसपास में पड़ेगा आशीष और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन यस आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें आपको पी फाइल नहीं आपको हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचाया जाता है हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचाया जाता है ठीक है हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचाया जाता ठीक है आर्ड कॉपी आपके घर पे पहुंचाया जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा वन ईयर का हम देखें बेटा तो वन ईयर का ये देखो ये आपका सिक्सटी फाइव थाउजेंड है लेकिन ये आपको अभी इस पर दस परसेंट डिस्काउंट मिल रहा होगा दस परसेंट ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा और यदि आप आर के सर का रेफरल कोड लगा लोगे लो ना आशीष ठीक है तो आपको बीस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा बीस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा हाँ ई एम आई पर भी पे कर सकते हो हाँ और बीस परसेंट भी ऑफ हो जाएगा ई पे पे करो और 20 परसेंट ऑफ ले लो ये आपका ई पर मंथ पाँच हज़ार चार सौ सत्रह रुपए पड़ रहे हैं लेकिन यदि इस पर आप डिस्काउंट कर लोगे बीस परसेंट तो आई थिंक तेरह हजार रुपए का इस पर डिस्काउंट हो जाए तो पैसठ हजार रुपया अभी है बेटा इसका सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो इसपे थर्टीन थाउजेंड आप डिस्काउंट कर लोगे तो ये बेटा आपका हो जाएगा फिफ्टी का अब फिफ्टी टू थाउजेंड पे ई आप अपना देख लेना और ई अपना कन्वर्ट करके उसके बाद पे करो आर के सोनी सर का जरूर रेफरल करो ठीक है बेटा आशीष तो ये आपके लिए एक छोटा सा सजेशन रहा यस हम लोग बढ़ते हैं अगले पिछले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर और सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात कर रहे थे तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस अपन वापस आ जाते हैं ठीक है तो ये बेटा अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा तो फाइनल फार्मूला क्या हुआ मैं एक बार फाइनल फार्मूला को लिख देता हूँ एक बार फाइनल फार्मूला को लिख देता हूँ तो फाइनल फार्मूला क्या हुआ वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट अच्छा ये किसका फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ है बेटा आपका ये फोकल लेंथ है बेटा आपका आ, का, ये जो आपको पता है भी Use this formula sign convention. बिना sign convention, जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा तो आप धोखा एम पढ़ सकते हैं चलिए पहला ये फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख दिसमुलाज फॉरक्सल सारे के सारे थीन लेंसेज होने चाहिए तब होगा ठीक है सारे के सारे लेंस आपके कॉन्टेक्ट में होने चाहिए तभी यह फॉर्मुला इस्तेमाल हो पाएगा एफ और मतलब एफ एल एफ एल मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस और फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है वो आपको पुट करना पड़ेगा साइन के साथ तभी फार्मूला इस्तेमाल हो पाएगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा ठीक है अगली बात यदि इक्वैलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू जो है बच्चे यदि निगेटिव आ गया एफ इक्वेलेंट की वैल्यू निगेटिव आ गया तो ये आपका कन्केव मिरर की तरफ भी हैब हाँ करने लगेगा और यदि एफ इक्वेलेंट के वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो कन्वेक्स मिरर की तरफ भी हैब हाँ करेगा और यदि एफ इक्वेलेंट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गया तो प्लेन मिरर की तरफ भी हैब करेगा होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो, ठीक है चलिए अच्छा एककोनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात आप कर रहे थे एक और बात बता दो बेटा सब्सक्रिप्शन में टू आपको बेनिफिट मिलता है जब किसी आपको डाउट होगा तो कुछ स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने ऐप अप में आप अपने एडुकेटर से डायरेक्ट मतलब एडुकेटर इन द सेंस मतलब अपने मेंटर से बात भी कर सकते हो उनसे आप टाइम स्लॉट भी ले सकते हो किस टाइम पे बात करोगे और डाउट डिस्कशन की जहाँ तक सवाल है वन टू वन डाउट डिस्कस आप कर सकते हो ठीक है जो ऑफलाइन क्लास में होता था ना वो सारी चीजें पे फैसिलिटी चलो बेटा एक छोटा सा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सवाल में आपसे क्या कहा गया जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे सवाल में ये बोला गया बेटा ध्यान से देखिए कि ये एक प्लेन मिरर है प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनेट होता है यूनोवरवल और ये एक आपका बेटा क्या है ये एक आपका कन्वेक्स या ज्यादा बेहतर ये होगा कि कन्वर्जिंग लेंस में बोलूँ तो बेहतर होगा

इसका केस हो बेटा ऑटो कॉलिमेशन का केस यू नो you know ना बेटा आपको याद आ रहा है ऑटो कॉलिमेशन का केस मैंने आपको पढ़ाया था जहां पे पे ऑब्जेक्ट हो वहीं इमेज जा आ जाता है परस इज डिफाइंड एज द ऑटो कॉलिमेशन उस केस को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा उस केस को अपन ऑटो कॉलिमेशन के नाम से जानते हैं ठीक है थेके? तो जल्दी बताइए बेटा ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए बताइए इसका सही आंसर क्या आता है तो फास्ट, फास्ट मैडिया स्टूडेंट जल्दी कीजिए बेटा और बताइए सही आंसर क्या आता है राजीव आज राजीव नहीं दिख रहा यार राजीव कहाँ है आज राजीव नहीं दिख रहा मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ वन अपॉन एफ एम माइनस एफ यही अपना फॉर्मूला हुआ करता है इसी फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करके और आंसर निकाल नारायण इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा विशेष नारायण एंड जितने ही बच्चे हैं जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा और बताइए सही आंसर क्या है जो फास्ट

तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जीरो तो टेन 10 से 10 से 10 तो और यहाँ टेन कैंसिल आउट हो गया तो यदि हम एफ एल की बात करें बेटा यदि हम एफ एल की बात करें तो एफ एल की वैल्यू यहाँ से आ गया कितना बेटा एफ एल की वैल्यू आया टेन से And you know well कि FM की कि FM की कितना होगा? 5 Sorry, 5 नहीं, infinity. Infinity की होगा infinity की होगा होगा? नहीं, क्यों क्यों बेटा? क्योंकि क्योंकि है. क्या बेटा? चलिए भाई काजल बिटिया ने तो आंसर दे दिया लेट्स सी देखते हैं तो ये बेटा क्या हो जाएगा ये आपका एफ एम की जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू होगा का तो वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस टाइम्स ऑफ टू अपॉन टू अपॉन एफ एल अच्छा एफ एल की वैल्यू कितना है बेटा टेन तो ये वैल्यू तो हो जाएगा जीरो ये वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन एफ एक वैलेंट कितना आएगा बेटा डाट इज इक्वल्स टू का माइनस ऑफ टू अपॉन एफ एल एफ एल की वैल्यू कितना है प्लस ऑफ टेन है प्लस ऑफ टेन डाल दीजिए तो ये वैल्यू है वन अपॉन फाइव एन एफ इक्वैलेंट की वैल्यू बड़ा बड़ा बेहतरीन बात है बेटा यहाँ पे बड़ा बेहतरीन बात है यहाँ पे बेटा इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा इट मीन्स दैट माई डियर स्टूडेंट दैट द फोकल लेंथ इक्वालेंट फोकल लेंथ इज फाइव सेंटीमीटर बट निगेटिव में आया अपने आप ये निगेटिव में आया दिस नेगेटिव ये निगेटिव क्या सजेस्ट करेगा ये निगेटिव ये सजेस्ट करेगा बेटा कि हमारा ये जो कनकेव मिरर आया सबसे पहली बात निगेटिव सजेस्ट करेगा कि ये कनकेव मिरर आया क्या है बेटा कनकेव मिरर और इसका फोकल लेंथ कितना हुआ इसका फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर अब आप खुद से मुझे बताओ कि अब ये पूरा सिस्टम जो था बेटा ये पूरा सिस्टम जो था बेटा ये पूरा सिस्टम अब बिहेव करने लगा एक मिरर की तरह एक सिंपल कंकेट मिरर की तरह बिहेव करने लगा जिसका फोकल लेंथ है बेटा फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो अब आप मुझे बताओ कि हम कहां पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस कंकेव मिरर पे रखें जिससे कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाए सब कोई आप आंसर बताइए सभी बच्चे आप आंसर बताइए नारायण और ये आप लोगों को आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपने निकाल दिया है फोकल लेंथ की वैल्यू बट मुझे आपसे पूछना ये है कि एक्स की कितनी वैल्यू हम रखें एक्स की कितनी हम वैल्यू रखें जिससे की जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है एक्स की वैल्यू कितनी हम रखें जिससे कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज आ जाए क्या बात वेरी गुड वेरी बहुत बड़े बहुत बड़े रंजीत का आंसर दिख रहा है रंजीत का आंसर दिख रहा है बिल्कुल सही है रंजीत का कहना ये है कि सर टेन सेंटीमीटर क्यों सेंटीमीटर आंसर भी करके दिखा दिया है, है। बेटा यदि फोकल फाइव सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ करबेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को या सेंटर पे किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तभी तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे इमेज है वहीं पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे है पेस एफ क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिएगा इस क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा और ये सेकेंड वाला पार्ट आप करके दिखा ये सेकंड वाला पार्ट आप मुझे करके दिखाइए थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए तो और डिफिकल्ट बना दो क्या क्वेश्चन चलो मैं ये बोल दिया हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे थर्टी सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट थर्टी सेंटीमीटर क्वेश्चन है मैं ये बना देता हूँ दे। फाइनल पोजीशन फाइंड फाइनल पोजिशन फाइनल पोजिशन ऑफ इमेज निकाल के दिखाओ मुझे कि फाइनल पोजिशन ऑफ इमेज कहा जल्दी जल्दी चेतन बहुत दिनों बाद दिखो बेटा चेतन बहुत दिनों बाद दिखो। कहाँ रहते हो यार चलिए। फाइंड फाइनल पोजिशन फाइंड 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 फाइनल पोजिशन डाटा पुट कर दूं अच्छा अच्छा एक सेकंड एक सेकंड इसका रेडियस अच्छा डाटा चलो मैं रेडियस टाइप पे दे इसका रेडियस है बेटा टेन सेंटीमीटर रेडियस है टेन सेंटीमीटर अच्छा अच्छा कुछ से फीवर था बट अब तो ठीक हो गया होगा ना बेटा काजल बेटिया का आंसर आया फिफ्टीन सेंटीमीटर चलिए मैं देखता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मैं आपको समझा सबसे पहली बात कि हम निकालेंगे यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ क्योंकि जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है और एफ एम की वैल्यू पता होना चाहिए और की, value भालू 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 तो, की तो मुझे दिख रहा है कि माइनस ऑफ टेन सेंटीमीटर सॉरी माइनस ऑफ फाइव सेंटीमीटर क्यों क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब फाइव है टेन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही यहां पे सिल्वरिंग किया गया तो इसका आधा हो जाएगा बेटा आपका इस मिरर का फोकल लेंथ यानी कि ये होगा माइनस ऑफ फाइव बस ये वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा किससे लेंस फॉर्मूला से तो फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला

माइनस टाइम सब चूंकि लाइट रे इधर से ऐसे आ रहा होगा तो इसके इधर पॉजिटिव और पीछे होगा ठीक है तो यानी कि इसका रेडियस में होगा तो वन अपॉन तो की जो वैल्यू होगा 0 into, 0, और minus, minus, plus, 10, तो ये वैल्यू वन बाई टू हो जाएगा तो वन अपॉन एफ एल की जो वैल्यू होगा बेटा वन बाई टू इंटू वन बाई टेन मतलब क्या हो गया बेटा वन अपॉन यानी जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द FL FL की जो वैल्यू होगा बेटा FL की वैल्यू भी यहाँ पे होगी यह आप देखिए तो 20 सेंटीमीटर और चूंकि ये पॉजिटिव आया 8 मंथ्स की ये कन्वर्जिंग लेंस होगा नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा अब हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूला फार्मूला का मैं इस्तेमाल तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफएन एफएम की वैल्यू क्या है ये आपका 5 हो जाएगा so, तो माइनस ऑफ़ और टाइम्स ये वैल्यू कितना होगा बच्चे ये जरा ध्यान से एक काम करो ऊपर भी फोर्स मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी फोर्स मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर जो है बेटा डिनोमिनेटर हो जाए बच्चे ट्वेंटी तो यहाँ से थोड़ा आसान बन जाता है अपना काम ये हो जाएगा तो ये आपका माइनस ऑफ सिक्स फोर माइनस टू माइनस सिक्स हो गया यानी एफ इक्विवेलेंट की जो वैल्यू जो है एफ इक्विवेलेंट की जो वैल्यूट इज इक्वल्स टू होगा बच्चे ट्वेंटी माइनस ऑफ ट्वेंटी अपॉन सिक्स मतलब माइनस ऑफ टेन अपॉन थ्री सेंटीमीटर एंड दैट इज द मतलब कि अब सीधा सीधा सवाल ये हो गया बेटा सीधा सीधा सवाल ये हो गया कि ये अब यही जो कॉम्बिनेशन था इस कॉम्बिनेशन में जरा ध्यान से देखिए ये जो है बेटा अब आपका बिहेव करने लगेगा एक अब आपका ये बिहेव करने लगेगा बेटा एक कनके uh, मिरर की तरह जिसका कनके मिरर का फोकल लेंथ होगा माइनस ऑफ टेन अपॉन थ्री मीटर मीटर में था या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, या था, था सेंटीमीटर? नारायण का आंसर बिल्कुल सही था नारायण का आंसर बिल्कुल सही था ये फोकल लेंथ की तरफ करने लगा अब सवाल में देखो कितना आसान सवाल है एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया बेटा सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया तीस सेंटीमीटर सो टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स तो टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स कि अब क्या होगा नाउ द सिंपल फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला बेटा लगाएंगे वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू

बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं है समझ में आया हो तो फटाफट एकदम फटा चैट को थोड़ा कलरफुल कर दो फटाफट एक बार चैट को जरा कलरफुल कर दो जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि यह सब चीजें तो हमें गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए बेटा और दे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अब हमारे सामने जो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स यस सर हो जाएगा ओके गुड वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है बेटा दैट इज दैट इज इस चीज को जरा आप ध्यान से देखिए लास्ट स्टेप बता दूं अच्छा ओके लास्ट स्टेप ये था बेटा कि ये मिरर फार्मूला लगा देंगे बेटा अब हमने ये बोला था ना कि सबसे पहले तो ये है कि ये मिरर आपका ये फोकल लेंथ आ गया अब फोकल लेंथ आते ही अब ये जो पूरा सिस्टम था ये पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करने लगेगा पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा कौन सा मिरर तो यहाँ माइनस आकर के बता दिया कनकेफ मिरर तो मैंने कनकेफ मिरर बना दिया

तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ यहाँ पे एक लेंस को यदि रख मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ आप मुझे साझा कीजिए आप मुझे कुछ बातें बताइएगा उसके बाद में आ गया ये इधर का फोकल लेंथ है ये इधर का टू एफ है ये इधर का फोकल लेंथ है और ये इधर का टू एफ और ये आपका लेंथ मुझे एक बात बताइए एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज या मैं ऐसा बोलूं कि एक रियल इमेज के लिए एक रियल ऑब्जेक्ट को हम इस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखें तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज कितना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस ये मेरा आपसे प्रश्न है सबसे पहली बात ये जो डिस्प्लेसर मेथड है दिस इज ओनली वैलिड फॉर

रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है दिमाग लगा के बताओ बेटा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल रियल इमेज क्या होगा और वो कहां पे आए चलिए बेटा मैं बताता हूं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट जो होता है वो कब होता है मैं आपको साझा करना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो होगा फोर एफ कितना होगा फोर एफ और वो कब होगा जब किसी एक ऑब्जेक्ट को पोल पे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं इसका इमेज भी इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाएगा तो ये जो डिस्टेंस हो दिस डिस्टेंस इज फोर और यही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है किस चीज के लिए बेटा यही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है कि किसी एक रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन जाए इससे छोटा डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है इससे छोटा डिस्टेंस पॉसिबल नहीं आप कॉमन सेंस से सोचो ना बेटा यदि किधर किसी ऑब्जेक्ट को आप इधर रखते हो तो इमेज कहां बनता है यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप इधर रखते हो तो इमेज इस बीच में कहीं

मतलब मिनिमम डिस्टेंस फोर एफ हुआ तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस फोर एफ से बड़ा या मतलब फोर एफ के इक्वल या फोर एफ से बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस जो होना चाहिए दिस डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन टू फोर एफ होना चाहिए देन वी कैन से दैट ए रियल इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा इसी बातों को मैं इसी बेसिकली बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड में मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं डिस्प्लेसमेंट मेथड में इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे मैथमेटिक्स करने पड़ते हैं तो वही काम अब मैं करने जा रहा हूं जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा बेटा ठीक है तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा देखिए यही बात बताया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रियल इमेज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द रियल इमेज बाय लेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द द द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इज एफ एफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जहाँ एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है ठीक है अब इसी का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें करेंगे क्या जो करेंगे उसी बात को मैं यहाँ पे लिख के आपको बताया हूँ जिसको आप चाहें तो बाद में आप पढ़ सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा देखने के मौके दूँ ठीक है तो जरा इसे इसको समझने में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जरा अच्छे से एक एक को देखना तब जाके चीजें हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लें अच्छे से देखना बेटा और ये ऑब्जेक्ट कैसा है रियल ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को हम एक प्रिंसिपल एक्सेस पे रख देंगे एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर ले लिया ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ एच ओ है और ये रियल ऑब्जेक्ट और हम क्या करेंगे इस रियल ऑब्जेक्ट ध्यान से देखना और इसके बाद यहाँ पे हम एक स्क्रीन लगा दें ठीक है बेटा स्क्रीन है क्योंकि रियल इमेज की बात हमें करनी है तो रियल इमेज कहां पे उतारा जा सकता है स्क्रीन के ऊपर उतारा जा सकता है तो हम ये एक्सपेरिमेंट करते समय इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन दिस रियल ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन जिस स्क्रीन के ऊपर मुझे इमेज चाहिए दिस डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन फोर एफ दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज द कैपिटल एफ

इसका स्क्रीन को हमने फिक्स कर दिया और रियल ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया नाउ लिसन टू मी केयरफुली लिसन टू मेयर फुलिंग आज जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं मैं एक यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन में साइड से लेकर के आपको कुछ चीजें समझाना पसंद करूंगा वी वीनो वेरीवेल दैट कि यदि मैं यहाँ पे एक लेंस ले रहे हैं यहाँ पे कोई लेंस ले रहा हूं तो इस लेंस में यदि ये आपका एफ है एंड दैट इज आवर टू एफ एंड दैट इज द एफ एंड दैट इज द टू

क्या मैं सही हूं या गलत हूं बेटा सिंपल सा बात है ये लाइटी जाकर ऐसे क्रॉस करेंगे ऐसे निकलेंगे और एक दूसरी लाइट रे तो निश्चित से इमेज जो होगा वो आपका मैग्नीफाइड इमेज इमेज जो होगा क्या होगा बेटा मैग्निफाइड इमेज तो ध्यान से समझना मैं पहले इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैं पहले इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा जरा इसको देखना बेटा मैं क्या करूंगा कि एक लेंस के पोजीशन को यहां पे मैं रखू

तो हम इसे हम बोलेंगे बेटा पोजिशन वन इसे हम पी वन पोजिशन ऑफ लेंस बोलेंगे और या इसे हम लोग इनलाजिंग पोजिशन बोलेंगे या इसे हम लोग बोले ये बोलेंगे कि एक ऐसा पोजिशन जहां पे इमेज जो है बेटा मैग्निफाइड इमेज आया है तो इस पोजिशन को अपन मैग्निफाइड पोजिशन भी बोल सकते हैं ठीक है और उस समय हम क्या करेंगे बेटा ये डिस्टेंस हम रखेंगे x तो ये डिस्टेंस होगा, होगा अपना y ये डिस्टेंस होगा अपना y ठीक है ये डिस्टेंस तो स्विच करेंगे स्विच करने का मतलब क्या है हम पलट देंगे x को y बना देंगे y को x बना देंगे नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूं इस चीज को जरा ध्यान से समझना इस चीज को जरा ध्यान से समझना सेम वैसे ही केसेस हम लेंगे सेम वैसे ही केसेस हम लेंगे ये आपका लेंस हो जाएगा ये आपका बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ स्क्रीन हो जाएगा इस लेंस के पोजीशन को मैं पी टू बोलूंगा इस तरीके से इस बार हम रखेंगे कि ये बन जाए बेटा वाई और ये बन जाए बेटा आपका एक्स तो इसे पी टू पोजिशन बनेंगे और इस केस में इमेज जो बनेगा ना बेटा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कैपिटल डी है कैपिटल डी है तो इस तरीके से इस बार इसको हम रखेंगे बेटा इस तरीके से इस बार रखेंगे बेटा हम ठीक है इस तरीके से रखेंगे बेटा हम इस बार जो इमेज आएगा वो डायमंड इमेज क्योंकि यू नो ना किसी एक ऑब्जेक्ट को यहां F हो गया इमेज कैसा बनता है इमेज डायमिस्ट बनता, 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 बनता है तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हाँ पोजिशन नंबर तो अब आपके दिमाग में बात है कि इससे क्या बेनिफिट हुआ सर मैं बताता हूँ बच्चे यहां से कुछ चीजें हमें पता चले पहले केस में हमने क्या किया ये ए, एक्स रखा ये वाई रखा दूसरे पोजिशन के केस में हमने क्या किया इसे वाई कर दिया इसे हमने एक्स कर दिया तो हमने सबसे पहले यदि देखू मैं फर्स्ट स्लाइड पे अब चलू यहां पे चलिए मैं आपको चूंकि यहां दो केसेस बढ़ा चुका हूं केस नंबर वन केस नंबर टू अब इन दोनों पॉइंट को हम एक साथ कॉन्साइज कर रहे हैं दोनों पॉइंट को हम एक साथ ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं तो इन दोनों को जब हम एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं बेटा तो ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच हो जाएगा ये आपका आपका यदि जाएगा, स्क्रीन हो, हो गया लेंस का तो ये पोजिशन आप ऑब्जेक्ट वन एक्स पे था तो ये आपका इमेज डिस्टेंस वाई पे दूसरा केस क्या हो बच्चे जब हम यहां ले जा रहे हैं तो ये आपका वाई हो गया ध्यान से देखें तो ये आपका X. देखो यहाँ नीचे मैंने लिखी सबसे पहली बात देखो पहले वाले केस में इमेज एच हाँ आई हुआ दूसरे वाले केस में एच टू हो गया तो अब हम क्या करेंगे एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं तभी जाकर के चीजें अन्यथा सारी चीज सबसे पहली मैं बात करू कैपिटल डी क्या है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई कैपिटल डी इज नथिंग बट इज द एक्स प्लस ये एक्स प्लस वाई कस्टू का ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाता है जिसे फाइनली हम डिराइव करके देखेंगे फाइनली तो हम डिराइव करके यही फॉर्मूला हो जाता है फोकल लेंथ का और बेटा हम एक और चीज यहाँ जो, जो दो पोजीशन हम लेंस का ले रहे हैं उसके बीच के गैप को हम डी से रिप्रेजेंट क्योंकि पहला पोजीशन था पी वन फिर उसको हम शिफ्ट करके दूसरे पोजीशन पे ले गया था P1 और, P2 के में जो D से हम और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा तो जरा ध्यान से देखना बेटा तो ये डिस्टेंस होगा आपका वाई माइनस एक्स के बराबर

अब हम चाहते हैं बेटा कि इसको हम डिराइव हमें क्या निकालना था हमें चूंकि फोकल लेंथ निकालना था? फोकल लेंथ निकालना तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ तो फोकल लेंथ निकालने का सबसे आसान तरीका कि हम यहाँ पे इन दोनों पोजीशन के लिए ये यू डिस्टेंस हो गया ये वी डिस्टेंस हो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा एक बार मैथमेटिक्स करेंगे वन बाई ये फिजिक्स टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू फिर दूसरे केस के लिए यहाँ के लिए भी हम निकालेंगे वन बाई ए फिजिक्स बाई वी माइनस वन बाई यू

तो बढ़ते हैं इस चीज को अब ध्यान रखें चलिए पूरी चीजें जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया बेटा इस चीजों को अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया समरी के बिना काम नहीं होता है तो बेटा ये आपका एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो एच है और ये आपके दो पोजीशन ऑफ इमेज चुके आए थे ये आपका ये एच टू और एच एच वन और एच टू दो हाइट के इमेजेस इमेज के दो हाइट आ गए थे इमेज के दो हाइट एच वन और एच टू आए थे तो इनके टर्म में हम देखे थे एच नॉट इजिकल टू अंडर रूट ऑफ द एच वन आ जाएगा दूसरा यदि मुझसे कोई पूछे कि वाई की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ कैपिटल डीन इन स्मॉल डी तो ये वैल्यू आए ये वैल्यू आ जाता है आपका कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी अपॉन टू इज इक्वल्स टू वाई ठीक है और एक्स की वैल्यू यदि अपन निकाले मुझसे कोई एक्स की वैल्यू पूछे इन टर्म ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी तो ये वैल्यू हो जाएगा बेटा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी एक्स की वैल्यू और फाइनल फोकल लेंथ की वैल्यू मैंने आपको बताया दिया था डेरिवेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया दिया था ये किस तरीके से इसको तो हम लोग वेरीफाई करेंगे और इसका डेरिवेशन गॉट इट चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ये एक छोटा सा सवाल रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए बताइए इसका सही आंसर क्या आता है आफ्टर आई विल मूव जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा और बताइए इसका सही आंसर क्या आता है तो फास्ट जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा और बताइए इसका सही आंसर क्या आता है उसके बाद में आगे बढ़ू दो माइ डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए इसकी सही आंसर इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड सवाल देखिए अच्छे से ये कोई एक डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात ही बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 70 सेंटीमीटर मतलब इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट सवाल में ये चीख-चीख करके बोला गया सवाल में ये चीख-चीख करके बोला गया कैपिटल डी की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट इट इज द 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर ठीक है

एक को अपन क्या बोलेंगे मैग्निफाइड पोजीशन दूसरे को अपन क्या बोलेंगे डायमंडिस्ट पोजीशन तो यही आपसे पूछा गया कि इस वैल्यू कितना होगा तो इसको आप जल्दी सॉल्व कीजिए बताइए इसके सही आंसर कितने है आफ्टर दैट आई विल मूव फॉरवर्ड जो फर्स्ट वी हैव वेरी स्मॉल इंटरवल जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए सही आंसर क्या है आपसे स्मॉल डी की वैल्यू पूछी गई है यहां बिल्कुल जल्दी कीजिए बेटा और बताइए सही आंसर क्या है स्मॉल डी की वैल्यू कितनी नारायण काजल शरणजीत ने 28 आंसर दिया ठीक है नारायण काजल चेतन आशीष जाट गेमर एंड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जल्दी कीजिए मैडम मैं करके दिखाता हूँ आपको चलिए मैडम तो सॉल्व करिए सिंपल सा फॉर्मूला है यार एफ इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन पोर कैपिटल इसको मैं थोड़ा ये कमेंट बारे चलिए बेटा तो देखो बेटा ये सवाल वैल्यू आपका दिया है क्या जी हाँ बिल्कुल ये गिवन है और ये भी आपका गिवन है और ये आपको कितना आसान सवाल था कितना आसान सवाल था बेटा इसे इसको जरा अपन देख तो बेटा सिंपल सा सवाल है बेटा कि f की वैल्यू आप 70 सॉरी 16 तो so, 16 इज इक्वल 70 के स्क्वायर माइनस ऑफ d के स्क्वायर एक सेकंड रुक जाए बेटा थोड़ा सा ये कुछ इसमें दिक्कत हो रहा है स्क्रीन हाँ सही है यहाँ स्मूथ चलो तो बेटा सिंपल सा बात है मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ नेक्स्ट पेज से हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू क्या हो कैपिटल

आपको याद आ रहा होगा jest, जब हम लोग प्रिज्म की स्टडी कर रहे थे जब हम लोग उस समय क्रोमेटिक और एक के बारे में बात किए थे तो क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है एक क्रोमेटिक क्या होता है जरा इसे क्रोमेटिक मतलब कलरफुल कॉम्बिनेशन और एक क्रोमेटिक मतलब आपको याद आ रहा होगा बच्चे जहां कलर ना सिंगल कलर की बात ठीक है तो जरा जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे तो बेटा मैंने आपको प्रिज्म जब पढ़ाया था तो मैंने प्रिज्म में आपको एक चीज बताया था कि चूंकि हम ये बात जानते हैं कि जे सेवन कलर कंपोनेंट जो होते हैं उन सभी सेवन कलर कंपोनेंट की स्पीड जो होती है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है अलग अलग होती है मीडियम के अंदर यस वैक्यूम में सेम होती है वैक्यूम में सेम होती है बट मीडियम में क्या होता है अलग अलग तो वो सेवन कलर कॉम्पोनेंट में टूट जाते हैं जैसे अपने व्हाइट रे को डालते हैं तो ये व्हाइट सेवन कलर कॉम्पोनेट में टूट करके अब विवियोर के फॉर्म में है बाहर आ जाता है आई थिंक आपको याद आ रहा होगा याद आ रहा है विवियोर के फॉर्म में ये बाहर आ जाता है ऐसे तो सेम सिनेरियो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है कोई इंटेलिजेंट बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर क्या ये चीज सेम होगा क्या यदि जैसे कि यदि हम एक लेंस लेते हैं

जिसमें आपको देखेगा रेड कलर शब्द का जो फोकल लेंथ है बेटा सबसे लार्जेस्ट है सबसे लार्जेस्ट है उसके बाद आपका आ, सबसे कम होता है बेटा वायलेट का फोकल क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा बैंड करता है ठीक है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाता है इससे हम लोग बोलते हैं बेटा क्रोमेटिक एवरेशन तो ये एक लेंस का प्रॉब्लम है क्या ये लेंस का प्रॉब्लम है तो इस लेंस के प्रॉब्लम को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये हम देखते हैं देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक सिंगल कलर के द्वारा नहीं एक एक ही सिंपल कलर में मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जिससे कि आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए तो रेड का फोकल लेंथ आपको दिख रहा होगा बच्चे ग्रेटर है फोकल लेंथ आपको तो वायलेट ठीक है तो अब इसको हम रेक्टिव जैसे कि यदि यही ये तो बेटा कन्वर्जिंग के केस में हो गया यदि डाइवर्जिंग लेंस के केस में हम देखें तो देखो बेटा इस केस में क्या होगा यहाँ भी रेड का फोकल लेंथ बड़ा होगा विद रेस्पेक्ट टू तो वायलेट तो फिर हम क्या करेंगे तो इस केस में हमें क्या करना होता है अच्छे हमें इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना होता तो है रेक्टिफाई करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको रेक्टिफाई तो करने का तरीका ये होता है बेटा कि हम एक काम करेंगे कि यदि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आ, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे ये एक आपका कन्वर्जिंग लेंस था तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ चूँकि पॉजिटिव में है तो डाइवर्जिंग फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव में होता है तो इसको बनाने के लिए हम यदि एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहते हैं जिसमें कि एक लाइट डायरेक्ट जा करके मिले तो इसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चे कि यदि हम एक को कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग के साथ मिक्स करके यदि दोनों को एक साथ साथ में लेकर के हम चले तो डाइवर्जिंग क्या करेगा जितना डाइवर्ट करेगा कन्वर्जिंग उसको उतना ही कन्वर्ज कर देगा देखो एक ही पॉइंट पर जाकर आपका फोकस ये तरीका है कुछ सिंपल तरीके हैं बच्चे को सिंपल मेथड्स हैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाने पिछले वाला क्या था क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन और ये क्या हुआ एक क्रोमेटिक तो कॉम्बिनेशन सिंगल कलर आएगा व्हाइट कलर ठीक है तो इसे एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ द लेंस को हम कैसे रेक्टिफाई करें तो क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ द लेंस को हम रेक्टिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा सबसे आसान तरीके ये इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा कि जो आ, जो बेटा कॉम्बिनेशन है लेंस का उसका अपोजिट हम क्या करेंगे लेंस को लेकर के उसके साथ कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके हम इक्वैलेंट निकाल देंगे तो वहां से आ जाएगा अपना बच्चे इक्वल सिस्टम क्योंकि एक कन्वर्जिंग क्या कर रहा होगा पॉजिटिव फोकल लेंथ रख रहा होगा तो दूसरा नेगेटिव फोकल लेंथ रख रहा होगा तो एक दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे कैंसिल आउट करके और एक फाइनल ठीक है इस चीज ध्यान ऐसे देखिए यहाँ पे ये यह पिक्टोरियल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया यहाँ पिक्टोरियल यह आपको अच्छे से समझ रहा होगा

लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज न्यूटन फॉर्मूला फॉर थिन लेंस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज न्यूटन फॉर्मूला फॉर ऑफ द लेंस बेटा बात यह है कि न्यूटन बाबा ऑप्टिक्स की उत्पत्ति में न्यूटन साहब का बहुत बड़ा रोल था ऑप्टिक्स की उत्पत्ति में न्यूटन सर का बहुत बड़ा रोल था लेकिन हम पूरे ऑप्टिक्स खत्म कर दिए और न्यूटन साहब का नाम नहीं आया तो न्यूटन साहब को यह चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाए ये चीज़ उन्हें लगा कि यार इनफैक्ट मैं बताऊँ बेटा तो ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग वाले पार्ट में कि लाइट ट्रेवल्स एंड स्टेट पाथ इन सब चीज़ों में न्यूटन साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है तो न्यूटन साहब को ये चीज़ लगा कि यार ये तो मेरा नाम ही कहीं नहीं आया इस पूरे चैप्टर में और पूरे फिजिक्स में मेरा ही नाम रहता है और इस पार्ट में मेरा नाम ही नहीं रहा तो फिर इवन मैथमेटिक्स में भी मेरा पूरा नाम रहता है न्यूटन आप याद कीजिए होंगे दिमाग खराब होता था ना दिमाग खराब सेंस मतलब ऑप्सट मतलब, रहते थे तो वो इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को लेकर के और बैठ जाते थे और सॉल्व करना शुरू करते थे कब उस समय जब उनका मूड ऑफ रहा करता था और हम इंटीग्रेशन कब इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन कब इंटीग्रेशन uh, के क्वेश्चंस को सॉल्व uh, करने की कोशिश करते हैं हम उस क्वेश्चन उस समय क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जब हमारा मूड फ्रेश रहता है क्योंकि इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो हम चाहते हैं यार मूड फ्रेश रहेगा मूड अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेकिन न्यूटन साहब जब सबसे अपसेट रहते थे दुखी रहते थे तब तो वो वो इंटीग्रेशन करते थे एनीवे anyway, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था आपके लिए बट अपन आगे बात करते हैं न्यूटन साहब सोचे यार कि यार इस में मेरा नाम ही नहीं, आया। मेरा नाम नहीं आया तो फिर न्यूटन तो साहब को होना था खुश तो कैसे करेंगे नाम जाता है। तो साहब इस फार्मूला में क्या बोले इस चीज को जरा ध्यान से देखिए जरा ध्यान से देखिएगा न्यूटन साहब इस चीज को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किए बेटा अपन जो फॉर्मूला पढ़े थे ना वन बाई एस टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन मिरर सॉरी ये लेंस फार्मूला जो हुआ करता था इसमें आप मुझे बताओ ये वी क्या होता था इमेज डिस्टेंस और कहाँ से हम लेते थे ऑप्टिकल ये यू क्या होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से लेते थे ऑप्टिकल डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ओ से लेते थे न्यूटन साहब सोचे कि ये काम करो मुझे अपना नाम तो भाई ले आना है किसी भी तरीके से मुझे अपना नाम तो ले आना है किसी तरीके से अब कैसे ले आए अपना उन्होंने एक दिमाग लगाया उन्होंने एक दिमाग उन्होंने बोला कि आज के बाद यदि किसी एक ऑब्जेक्ट को आप कहीं रख रहे हैं आज के बाद यदि किसी एक ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं तो अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नहीं फोकस से मेजर कहां से मेजर किया जाएगा फोकस से मेजर और उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा एक्स वन उस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा एक्स वन और जहां इमेज बनेगा वो भी हम फोकस से ही डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस को बोलेंगे X2. सारे लोग इस पूरी दुनिया इस फॉर्मूला पे आधारित थी और इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो उन्होंने एक नया क्रम लगाया और बोला कि भाई सारे डिस्टेंस अब फोकस से मेजर किए जाएंगे और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल के दे ये जो x1 है और ये जो x2 है और इसका यदि फोकल लेंथ f है ये x1 x2 और फोकल लेंथ f में रिलेशन क्या होगा उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ एक रिलेशन उस रिलेशन को आप लोगों को रखना होगा उस रिलेशन को आपको रखना होगा उन्होंने क्या बताया बताया कि भाई एफ स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वन एंड टू इसी, for तो for तो इसी चीज में आप चाहें तो वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वी की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे आप देखें तो मान लीजिए ले रहे थे तो वी माइनस ये डिस्टेंस जो होता था ना बेटा ये डिस्टेंस तो x2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं x2 के जगह पे लिख सकते हैं बेटा f प्लस बी के जगह पे लिख दो f प्लस एक्स टू और u के जगह पे लिख दो बेटा f प्लस एक्स वन माइनस साइड में और इस दोनों डाटा को यहां पुट करो इन दोनों डाटा को इस फॉर्मूला में पुट करो और सॉल्यूशन निकालोगे तो यही आंसर है जब मैथमेटिक्स करोगे तो यही आप ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहीं पे अपना रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस का जो टॉपिक है यहीं पे अपना खत्म हुआ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम टुमारो कल के क्लास से हम लोग क्या करेंगे बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और याद रखिए बच्चे सेवेंटीन ऑफ सेप्टेम्बर तक का ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट का समय चल रहा है इसके बाद नहीं हो पाएगा और ये देखो ये बहुत लिमिटेड टाइम के सत्रह तारीख के बाद फिर तो अपना फॉर्म जो इसका ये है प्राइस जो है कि हो जाएगा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगा करके प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी ले लीजिए ठीक है यस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कल से स्टार्ट करेंगे ठीक है और अन एकेडमिकाइनेंशियल असिस्टेंसमेंट है नंबर इस पर आप कॉल कर लीजिए कॉल करके आप असिस्टेंस ले सकते हैं ठीक है जैसे एक और बात बता दूं आज मैं इंटीग्रेशन का कुछ शानदार कॉन्सेप्ट जैसे कि इंटीग्रेशन बाय आईलेट या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो कि अपन क्लास uh, ट्वेल्व में uh, इस्तेमाल किए थे यदि आपको याद हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म वगैरह में ठीक है इंटीग्रेशन वगैरह करने के लिए तो वो सारी चीजें आज शाम को मैं पढ़ाने वाला हूँ नाइन थर्टी से तो आप चाहे बच्चे तो निश्चित रूप से नाइन थर्टी पे अन एकेडमी के ऐप पे मैं ग्रुप पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप क्लास आकर के देख सकते हैं ठीक है नाइन थर्टी कल से अपनी क्लास के टाइमिंग फाइव पी एम होगी कल से अपने क्लास के टाइमिंग फाइव पी एम होगा ध्यान रखिएगा यस बेटा न्यू अपन बात करते हैं आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको फी बता ही दिया है बेटे और अभी बीस परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है तो फिर जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अवेल करो आर के सोनी सर का कोड इस्तेमाल करो और जल्दी से जल्दी अवेल करो आर के सर का कोड इस्तेमाल करके एक बार मुझे बता देना ठीक है बेटा चलिए ये कुछ बैच स्टार्ट हो गए हैं आगाज़ बैच स्टार्ट हो चुका है ट्वेंटी सेवनटीन्थ ऑफ सेप्टेम्बर से बैच चल रहा है तो जल्दी से जल्दी इस बैच के लिए आप इनर हो जाइए ठीक है नीट आ, आ, ड्रीम बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चे मेधावी बैच स्टार्ट हो रहे हैं शखर बैच स्टार्ट हो रहा है बैच स्टार्ट हो रहे हैं ये दोनों सत्रह से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे सेवनटीन ऑफ सेप्टेंबर से ठीक है और ये फिफ्टीन ऑफ सेप्टेंबर मतलब आज ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चे और आप अपनी तैयारी एक नई दिशा में दे दीजिए जल्दी से जल्दी अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है काफी लिमिटेड है जैस अनकेडमी नीट कॉम्बैट जैसे कि आप जानते हो बेटा इलेवन ग्यारह बजे से ये होता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक संडे को होता है ठीक है और आप बच्चे इस पेपर को आप दे सकते हैं मैं आपको बताऊँ पेपर को आप जैसे अनलॉक करना चाहोगे तो आपसे कोड पूछेगा तार के सोनी सर का कोड लगा करके आप पेपर को अनलॉक करके और अपनी स्टडी को नई दिशा दे सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो so, सो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों का आज का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास किया पढ़ाने का प्रयास किया वो सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा स्वपन so, आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चे फिर मिलेंगे अपन अगले दिन और मिलकर के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को खत्म करेंगे यस अब आप हो सकता है पूछिएगा सर आज का होमवर्क तो बेटा ऑलरेडी हम लोग पिछले जो सिक्स लेक्चर में जो कुछ भी क्वेश्चन के उसमें सिल्वरिंग ऑफ लेंस के कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिए थे ऑलरेडी तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प करें ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले दिन आज इवनिंग में क्लास नहीं होगी कल इवनिंग में से आ, 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 अपनी क्लास होगी ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले दिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों